व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा डे 8 ऑफ व्लॉगिंग। एंड भाई, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम गए थे रिलायंस। एंड अभी भाई थोड़ा आपको वीडियो क्वालिटी बढ़िया आ रही होगी क्योंकि मैंने परचेज कर लिया है न्यू फ़ोन। ये है रियलमी 11X 5G। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं भाई कैसा फ़ोन है। तो सीधा अभी छत पर चलते, छत पर इसकी रियल टेस्टिंग होगी। ये तो इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा देखना कैसा है। चलते सीधा ऊपर, अभी देख लो भाई। अबे तू कहाँ जा रहा है भाई, कितनी सही क्वालिटी आ रही है ना कसम से इसकी। बस भाई ये हिलता भूल जाता है ये वाला फ़ोन। और इसके लिए मैंने एक ट्राईपॉड भी ऑर्डर कर रखा है इस फ़ोन के लिए, 1X तक है। और ये देखो भाई कितना जूम होता है, करा ये गया 2X 3X, ये होता है 10X तक जूम। देखो इसको पता नहीं क्या म्याऊं म्याऊं कर जा रहा है। एंड भाई ये देखो भाई, व्यू बहुत सही जा रहा है कसम से। एंड भाई इसी बहाने आपको हमारी छत का टूर भी दे देते हैं। ऐसी कुछ है भाई हमारी छत, देख लो भाई, इधर पौधे ही पौधे हैं और इधर ये बिल्लियों के टीन बनवा रखे हैं यहाँ पे रहने का। एंड कुछ ऐसा इधर ये झंडा लगा हुआ है, ये देखो भाई ऐसा कुछ व्यू। एंड अब देखो, अब मैं अपनी चल दिखाता हूँ भाई। मेरे को बहुत ज़्यादा ही सही लगा भाई यूजली ये फ़ोन। ये दो कैमरे वाला फ़ोन है, ऐसे राउंड शेप में। इसका सर्च करके देखना भाई, रियलमी 11X 5G। एंड भाई बता दो, ये 5G फ़ोन है भाई। क्वालिटी आप देख ही रहे हो, इतनी सही क्वालिटी आ रही है। मैं तो एडिटिंग के टाइम पे देखूँगा भाई मेरी फेस कैसा आ रहा है। अभी तो फिलहाल आपको ही दिख रहा होगा कैसा आ रहा है। तो ये देखो, अब एक तो यार ये अंधेरे में जाते हैं ना थोड़ा वैसा हो जाता है। ये देखो भाई बहुत सही क्वालिटी है भाई। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ प्रतीक के पास, बाल वाल थोड़े ठीक कर लेता हूँ। यार बाल तो ठीक नहीं रहते। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ प्रतीक के पास, जाओ वहाँ पर इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो सीधा चलते हैं भाई। सो भाई अभी मैं पहुँच चुका हूँ प्रतीक के घर पर। बताना भाई कैसी आ रही है। एक तो बात ठीक नहीं है, पहुंच चुका हूँ भाई। सो भाई प्रतीक तो मिला नहीं यहाँ पे, प्रतीक दूध लेने गया। तो सीधा वहीं पे चलते हैं। भाई भागते हुए भी इसका कैमरा टेस्ट हो जाएगा इसी बहाने। भाई मैं तो सीधा वहीं पे चेक करूँगा एडिटिंग में कैसे क्या व्यू आ रहा है। अब सीधा चलते हैं भाई वहाँ पे जहाँ से दूध ले रहा है। सो भाई अभी यहाँ पे आए हुए थे, ये एक जगह यहाँ पे प्रतीक गाय का दूध लेने लग रहा है। ले ले भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। कैमरा क्वालिटी सही है, वो भी थोड़ा व्लॉग बनाने चलेगा चलेगा ना। हाँ तो भाई प्रतीक तो कह रहा है वो आएगा चाय पी के, तो मैं भी अभी सीधा चाय पी के चलूँगा, अभी मैं भी नहीं जा रहा। सो गाइस अभी मैं थोड़ा यहाँ पे प्रतीक भी चाय पीने गया, तो मैंने सोची मैं भी पी लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ी ब्रेड यहाँ पे मैंने सेक दिया और यहाँ पे चाय बन रही है। अभी मैं भी सीधा चाय पी के चलता हूँ प्रतीक के पास। सो भाई नाइट में ऐसा कुछ आता है इसका व्यू भाई, सही में नाइट में गोरा बना देता है। एंड भाई अब हम जा रहे हैं सीधा प्रतीक के पास। सो भाई मैं पहुंच चुका हूँ प्रतीक के घर के पास। गाइस मैं आ चुका हूँ प्रतीक के घर पे। एंड प्रतीक देखो भाई क्या कर रहा है, देखना भाई इसको क्या खेल रहा है भाई। फ्री फायर खेल रहा है भाई। जब से फ़ोन लिया है ना भाई, आज बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है कसम से, बहुत ही सही क्वालिटी आ रही है। प्रतीक कैसी आ रही है भाई, बढ़िया आ रही है ना, बहुत तगड़ी आ रही है। वही तो कह रहा हूँ भाई,
जल्दी से मैच खत्म कर, फिर चल रहे हम लोग बनाने। सो गाइस अभी प्रतीक और मैं जा रहे हैं भाई, चल रहे हैं ना सही में? चल कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई कहाँ जा रहा है प्रतीक, तू बता। पर देख लेना कैमरे की तरफ, क्या हो रहा है उधर, देखे जा रहा है तू बता। कहाँ चले बताते हैं, सही में नहीं आता मेरे को। चल यहीं चलते शिव मंदिर की साइड, चलो शिव मंदिर की वीडियो बनाता हूँ। भाई इसका कैमरा बहुत सही है भाई, आज इसका कैमरा टेस्ट करूँगा भाई, बहुत सही फ़ोन लेकर आया हूँ। वैसे एक चीज़ है, थोड़ा इसका ये वाला ना 8 मेगापिक्सल का है, थोड़ा कम है भाई 8 मेगापिक्सल। वैसे जूम तो भाई भाई वही चेक करो एटीएम में कितनी भीड़ लगी है भाई कसम से। अब देखो इसके लिए मैंने ट्राईपॉड और ऑर्डर कर दिया। सो भाई आज हम टेस्टिंग करने आ चुके हैं भाई, कौन सा पार्क है यार, भूल जाता हूँ उसका नाम, गुमट वाला पार्क। सो सीधा चलते हैं। अच्छा मैं बोला गेट बंद हो गया इसका, कैसे आज यहीं से खुला हुआ है, इधर से आते नहीं भाई यूजली। भाई अपनी तरफ कैमरा कर लेते हैं। अभी हम आ चुके हैं गुमट वाले पार्क में। और तू भाई कैसे लग रहा है गुमट वाले पार्क में आगे, क्या पता अंदर वही बंदा बैठो। भाई एक दिन है ना हम अंदर गए, एक बंदा बैठा हुआ था खूड़े में चिपक के, बड़ी भूख रहा था। दिखाते हैं भाई, ना है ना भाई, इसके अंदर भूत वगैरह मिल जाएंगे बगलो। सो भाई इस पर रिस्क ले रहा। ओ माय गॉड यहाँ पे तो भूत है भाई बगलो। उसकी लाइट कब ऑन होती है, अंधेरा होता है जब? ओ माय गॉड ये तो मेरे को पता ही नहीं था प्रतीक भाई, थैंक यू बताने के लिए। तो भाई लाइट जला के भाई, एक तो आँख में बहुत देर लाइट लगती है ना प्रतीक भाई, लाइट बहुत ब्राइट है। जब यही तो खासियत है इस फोन की, तेरी फोन में हमारा क्यों भाई। सो गाइस प्रतीक में मैं 418 के केस लगाऊंगा इसलिए मेरे कपड़े। सो गाइस अगर आपको कोई मारे तो आप उस पर 418 हाँ नहीं 457 कुछ भी बना के कुछ भी कह दो भाई। देखो भाई हमने, भाई इधर कहाँ घुसता है वे, तू क्या मजा आता है तेरे को इधर देखने में? काम कर इसके अंदर बढ़ जा। सो गाइस ये प्रतीक है ना, प्रतीक भाई अभी हम देखना भाई क्या करेंगे इस डंडे से है ना, इसको हम यहाँ काट देंगे। हम कुछ नहीं करने वाले भाई, हम अच्छे बच्चे, हम किसी को मारते नहीं है हम। सो गाइस हम अच्छे बच्चे भाई, ये ओ भाई ये किसने भागा भाई बगल में, वहाँ पे आतंकवाद आ गया, भगलो भगलो भगलो। पर भाई इतनी ओवर एक्टिंग नहीं करनी यार। ओ शिट प्रतीक का रोस्ट हो गया। ओ माय गॉड आगे हमको चलती फिरती क्या दिखे भाई, चलता नहीं ना, और ऑटो दिखे, ऑटो नहीं यार रेडी दिखी है, चलती फिरती है, देखो चलती फिरती ये देखो ये पता क्या। सो भाई ये देखो इन भैया को, पर रात में भी सही आते हैं वीडियो। देखो भैया पता नहीं हमको क्या कर रहे हैं, नींद का मामला है, लड़ाई करनी है करने दो इनको। प्रतीक भाई सो गाइस का क्या जम पिछली बार तो तब नहीं था ना, अब लगा दिया, इधर नहीं था वो उधर था, अब अभी इधर भी लगा दिया। सो भाई रात को पता नहीं यार, थोड़ा रात को बॉडी बिल्डर में लगा तू ना भाई ना, बदमाश बदमाश की बच्ची भाई दा, मैंने तेरे में ये वाली एक्सरसाइज करके दिखा, कैसे करते है बता ना तू कर दो बस, कैसे करते मेरे को भी नहीं पता, कर ना भाई। सो इसका आगे का कैमरा देख लो इस टाइम। भाई क्या कर रहे हो और बंदे थे, अब देखा भागा ना इसका रियल काम इस फोन का, अब ऑटो है। सो गाइस ये देखो इसका अपना आप, इसकी ब्राइटनेस ऑन हो जाती है जब भी कोई भी प्रतीक भैया वी आर ब्लॉगर ना, यस भाई यहाँ पर कैसे नहीं क्या बोलूँ यार भाई, हम पे स्ट्राइक पड़ जाएंगे यार, यार आज का व्लॉग समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ।
चलो देखा जाएगा भाई कह देंगे यार, फोन की अनबॉक्सिंग करिए थंबनेल में डाल दूँ और कोई काम है नहीं हमारे पास। कौन सा मॉडल है ये रियलमी 11X 5G 128 GB वेरिएंट। प्रतीक भाई हमको लोग कैसे देख रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं भाई, हम सीधा हम जा रहे हैं, थोड़ी रात सी होगी, चलो मंदिर चल रहे हैं भाई अब, और फिर यार वहाँ से मंदिर से सीधा कर बैग फ्लिप ऐसे मर जाते ना बैग फ्लिप तो झूठ गया मैं ऐसे में बैग फ्लिप भाई पसीने निकाल दे आराम पे बहुत देर हमने एक्सरसाइज करके प्रतीक भाई के लिए फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप ओ माय गॉड वाओ वेरी डेंजरस गाइस गाइस वी आर गोइंग टू होम गाइस क्या भाई ओ मा अबे वो है होटल ये देखो भाई भाई देखो 4X zoom 10X zoom देख रहे हो। अरे नहीं इसकी वो थंबनेल ले ले सिस्टम हिला दिया, रुको भाई थंबनेल ले लेता हूँ। अभी हम जा रहे हैं मंदिर है ना प्रतीक भाई, मंदिर जा रहे हैं ना भाई, तेरे का होश से उड़ गए भाई, पता नहीं पैर वैर में चोट लगवा के आ गए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं मंदिर, कहाँ जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं भाई, शिव मंदिर। चलो भाई लोग वहाँ पे ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो भाई टीका विक्का लगा लिया था प्रतीक भाई, देख लो अपने टीका तो सही लग रखा है तेरे। हाँ ठीक है भाई टीका तो भाई अभी हम जा रहे हैं एक और मंदिर, वो आपको पहली बार दिखाऊंगा मैं, ये है ना अंकित क्लासेस चल रहा है ना प्रतीक, उस वाले मंदिर में भाई सबसे बेस्ट मंदिर है भाई मेरे हिसाब से वो, क्योंकि सारे मंदिर ही बेस्ट, हाँ मतलब सारे मंदिर बेस्ट होते हैं पर वो मेरे को यूजली बेस्ट लगता पता क्यों क्योंकि मैं बचपन से उसी मंदिर में जाता आ रहा हूँ, तो अभी सीधा चलते हैं उस वाले मंदिर में भाई, आपको इधर यहाँ तो यहाँ पर वहाँ तो वहाँ वहाँ तो वहाँ वहाँ तो वहाँ हाँ ठीक है जाना है, जाओ बच्चा अकेले जाओ बस चल लेना मजा मत कर। प्रतीक भाई हम कहाँ जा रहे हैं मंदिर का नाम मैं कितनी बार बोलेगा। तो भाई अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर, एंड भाई यहाँ वहीं बैठे चुप रहे, यहाँ पे हमारा ट्यूशन भी है, ये देखो ये हमारा ट्यूशन है भाई, था पहले सॉरी पहले प्रतीक और मैं हम दोनों यहीं पे पढ़ते थे, फिर हमने कहीं और लगवा लिया, इसने वहाँ से भी हटवा लिया, आज ही हटवाया मतलब आज कैसे कैसे दिन है यार, आज ही मेरा फ़ोन आया, आज ही तूने वो हटवाया, कितनी सारी चीज़ें होगी यार आज, आज ही पेपर था गाइस हमारा कंटेंट मिल चुका है गाइस, आज हमारे साथ सारी चीज़ें होगी गाइस। सो सौर जोशी भाई एक बात बोलूँ भाई, सौर जोशी कैसे बोलते हैं ये पहली बार देखा, अबे अपग्रेड कर दिया ये पीछे तक बढ़ गया, पहले छोटा सा था बहुत। चल भाई अब फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे अंधेरा बहुत है। यहाँ पे दुकान खुल गई, देखी तो तूने, तुम देखी थी भर्ती, अबे अभी अभी खुल गई जिंदगी मकान से देख लगा तू, देख गाने बज रहे इधर। सो गाइस प्रतीक कह रहा था वाले हाँ टाइम क्या हो। सो भाई हम आ चुके थे मंदिर, मैंने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ ली थी यहाँ पे, ये देखो ये हनुमान जी के यहाँ पे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना जबकि आई थिंक, और यहाँ पे राम लक्ष्मण सारे हैं यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे एक साईं बाबा का भी है इधर, वो उधर हनुमान जी का, इधर साईं बाबा जी का है, यहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है और एक ये मूर्ति यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी जी ने प्रसाद दे दिया हमको, यहाँ पे भी एक साईं बाबा जी की छोटी सी है, पीछे राधा जी और कृष्ण जी है, एंड ये है भैरव बाबा जी का। सो भाई ऐसा कुछ ही नहीं यहाँ पे, दे मैंने सुन रखी है पर वैसे पढ़ी नहीं है, मैंने देखी ऊपर देखी है, यहाँ पे जोत वगैरह लगाने का बाहर निकलेंगे, यहाँ से प्रसाद ले जा प्रतीक। अभी इस में दर्द हुआ ना इस वाले मैट में, ये वाले एकदम से पैर टिका ना फोर्स से, आ जाओ।
सो गाइस ये देख भाई अंधेरे में आते वो कर लेता है फ्लैश लाइट ऑन अपनी। सो अभी हम यहाँ से जा रहे घर, प्रसाद मिल गया था हमको भाई। आज का व्लॉग कैसा लगा, मजा आया? आज तो थोड़ा लंबा व्लॉग हो गया ना। बढ़िया है ना, जितना लंबा होता है उतना ही बढ़िया। गाइस आज की वीडियो में जैसे कि आपने देखा मैं गया था मंदिर, एंड भाई आज हमने न्यू फ़ोन परचेज़ करा भाई। जैसे कि आपने देखा भाई ये क्वालिटी भी भाई अभी न्यू फ़ोन की आ रही है। एंड अब एंड ये था मेरा डे 8 ऑफ व्लॉगिंग, एंड अब सीधा अगले व्लॉग में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।